आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। तो आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस वक्त कलमाज तक की टीम पहुंच चुकी है फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव जैतलका में। यहां पर जो 26 जनवरी का प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जो यहां पर हमें खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, हम उसी के बारे में यहाँ के फजलुद्दीन जिला परिषद उम्मीदवार वार्ड नंबर 18 से, वो भी यहाँ पर मौजूद है मदरसे की चारदीवारी के अंदर। हम इनसे कुछ बातें करते हैं, आखिरकार वो क्या कहेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कलमाज तक चैनल पर। जी जनाब। जनाब, जैसा कि आप भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए हैं, जो मदरसों के अंदर जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है, क्या खुशी है, क्यों मनाया जा रहा है? जो आज इस मदरसे के अंदर हमारे उलमान ने 26 जनवरी के मौके पर जो यहाँ पर ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया है, मैं पहले तो इनको सभी साथियों को और मौलानाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो इन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम किया है। जो एक प्रोग्राम किया है, ये कि हमारे देश में बिल्कुल एक सद्भावना पहुंचाने वाला है, जो कि समाज सेविक से भी और ये बुराइयों को समाप्त करने के लिए जो यहाँ एक जागरूक किया था, ये भी बहुत ही अच्छा है। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। जनाब, कुछ लोग तो ऐसी बातों को करते हैं कि मुसलमान तो एक देश का गद्दार हैं, और जो ये 26 जनवरी की खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि इन्होंने तो क्या कुर्बानी दी, कोई कुर्बानी नहीं दी, ये बात कहते हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बात गलत है। देखो, जो हमारे इस समाज से जुड़े हुए आदमी, ये कभी गद्दारी बात नहीं करते। जो गद्दारियों को बात करते हैं और इस किस्म के लोग रहते हैं, हमारे जो उलेमा रहते हैं, ये एक समाज की बुराई को समाप्त करते हैं, और इनसे ही हमारे समाज के बुराई को समाप्त करा जाता है। ये कभी भी समाज में बुराई का गलत कदम नहीं उठाते। तो मदरसों में भी ये झंडा फहराया जा रहा है, मैं कैमरामैन कहूँगा, ज़रा इस तिरंगे को भी दिखाइए, इसकी झलक भी दिखाइए इन यूजर्सों के लिए। कुछ लोग जनाब इस बात को कहते हैं कि मदरसों में एक आतंकवादी की कोर्स दी जाती है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है सभी बच्चे कुरान हिफ्ज कुरान को हिफ्ज़ कर रहे हैं और उर्दू लाइन की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कहाँ तक सही इस बात के बारे में आप चर्चा करेंगे? ये सब कुछ नहीं है, हमारे जो समाज का काम है, हमारे बच्चों को दीनी लाइन तिलावत हमारे पुश्तैनी चली आ रही है, हमारी समाज पीढ़ी है, इसमें ऐसा कोई किसी प्रकार का कोई यहाँ ऐसा उत्पाद नहीं सिखाया जाता, जो बच्चों को हमारी ये गलत फैमिली दी जाती है, और अच्छी ही समाज की शिक्षा का यहाँ नृत्य दिया जाता है। तो दोबारा मैं कैमरा मैन कहूँ, आखिर बार एक बार फिर इस झंडे की लहर को दिखाइए कि यहाँ पर जो झंडा फहराया गया है। अब तक बस इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक बने रहिए सिर्फ और सिर्फ कलमाज तक के साथ। जनाब, अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम अरशद हुसैन है, गांव बुबलेड़ी है, ये हमारा मदरसा है करीब का, जैतलका गांव का मदरसा है, और आज यहाँ हमारे मदरसों में 26 जनवरी का प्रोग्राम है, और रोड पास के लोग सभी इकट्ठे हुए हैं, और इस मदरसे को हम बहुत चाहते हैं, और इस मदरसे के लिए हम खुशी से और सब लोग इसकी मदद करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। आपने क्या मदद की इस मदरसे में आज 26 जनवरी की खुशी में? आप इस मदरसे के मैंने तो आए हैं, तो बताइए क्या आपने मदद की मदरसे की? जनाब, मैंने अभी थोड़ी मदद करी है, लेकिन इंशाल्लाह यासु भी ज्यादा हद के मदद करूंगा। अल्लाह ने जिंदगी दी तो मैंने 5100 रुपये मदरसे के लिए दिए हैं, और इंशाल्लाह उस्ताद सू जितने भी बच्चे हैं सबके लिए मैंने कपड़ा बोले हैं, और कल कपड़ा ला के दूंगा इंशाल्लाह। तो असद हुसैन, आखिरकार आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा आम जनता से कि यह हमारा करीब का मदरसा है, बहुत पुराना मदरसा है, और इसकी हम बिल्कुल देखभाल नहीं कर रहे, हमसे बहुत कमी हो रही है, हमें इस मदरसे की देखभाल करनी चाहिए। ये बहुत मौका का मदरसा है, हमारे इलाका में यही मदरसा है पहले सबसे पुराना, लेकिन हमसे इस मदरसे की कदर नहीं हुई, और हम इसकी बिल्कुल कदर नहीं कर रहे। हम यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस मदरसे की हम कदर करें, और पास ये गाँव सब इस मदरसे की खिदमत करें।